दोस्तों ये आप देख रहे हैं अरुणा टेक्सटाइल हब के जो ऑफिसर्स हैं ये यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप अरुणा टेक्सटाइल हब ज़बरदस्त है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको फैब्रिक ही फैब्रिक नज़र आएगा, आपको अलग अलग तरह की साड़ीज़ ड्रेस मटेरियल सब कुछ दोस्तों यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त कलेक्शन है, आप यहाँ पे फैक्ट्री की साइज़ देख के ताज्जुब में पड़ जाएंगे। दोस्तों वेराइटी की कोई कमी नहीं है। दोस्तों जब इतनी बड़ी साइज़ हो, जब इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, तब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे कलेक्शन कितना ज़बरदस्त होने वाले हैं। चलिए दोस्तों सर की कैबिन में चलते हैं और सर से कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाय सर, रोजगार के अवसर चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया, इतना आपके बिजी शेड्यूल में आपने अपना टाइम निकाल के हमारे चैनल के लिए आपका वक्त दिया। सर सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। सर देखो कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, ये अरुणा टेक्सटाइल हब है। ओके ये एक फैक्ट्री है, ये मार्केट से आउटसाइड है। ओके इसका रीजन है यहाँ पे आपको रेट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे और कलेक्शन फुल मिलेगा, इसीलिए इसका नाम अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री दिया गया। क्या बात है यार, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी सर कुछ बताना चाहेंगे। देखो मैं आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप में खड़े होके पूरा आपको मेरा व्यू भी दिखा देता हूँ, पूरा सैंपलिंग भी दिखा देता हूँ, ताकि अपनी वीडियो छोटी में कस्टमर को भी अच्छा लग जाए। सही क्योंकि सही। अगर मैं बैठे बैठे सारी गाइडलाइन दूंगा तो वो भी मजा नहीं आएगा। सही है बिल्कुल। खड़े खड़े थोड़ा आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। भैया मैं आपको दिखा रहा हूँ अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री आउटलेट। जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री आउटलेट का मतलब क्या होता है। सही है सर। यहाँ पे दोस्तों मैं एक आपको बोलना चाहूँगा कि फैक्ट्री का मतलब होता है खुद की मैन्युफैक्चर। सही है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे मेरे खुद की मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे किस तरह से कपड़ा बनता है मशीन लगी हुई है, वो आपको देखने को मिल जाएगा रियली। इसीलिए मैंने आउटसाइड पे फैक्ट्री खोली है, ताकि सूरत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी खुद की फैक्ट्री है, मेरी खुद की मशीन है, लेकिन मैंने कस्टमर को यहाँ पे एक ही रीजन से खोला है कि उनको मेरी फैक्ट्री भी दिख जाए और मशीन भी दिख जाए। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। ये मेरा बॉस, आप ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा गाला सारीज का सैंपलिंग गोडाउन है। ओनली सारीज, सिर्फ और सिर्फ सैंपलिंग गोडाउन है। रियल गोडाउन तो इससे कई गुना और बड़ा है। यहाँ पे सिर्फ सैंपलिंग के लिए आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जगह है। जी सर ये देखो मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों आप इससे यहाँ की वैरायटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सैम्पलिंग में इतना ज़बरदस्त कलेक्शन है, यहाँ पे कोई छोटी छोटी दुकान नहीं है जो खुद को मैन्युफैक्चरर बताते हों। यहाँ पे रियल मैन्युफैक्चरर, रियल फैक्ट्री पे हम आए हुए हैं, जो आपको कलेक्शन और वैरायटी तब समझ में आएगी जब आप खुद यहाँ पे आएंगे। जी सर बस ये देख सकते हो ये सैम्पलिंग गोडाउन है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा जो दिखाया जाएगा वो सैम्पलिंग पीस रखा जाता है। इसमें सारे के सारे आपको अलग अलग, ये देख सकते हो आप, ये वर्क साड़ी से दोस्तों वर्क काफी जबरदस्त ये वर्क साड़ी हमारे सामने है। ये जब आपके हाथ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि इसकी एक्चुअल क्वालिटी कैसी है। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो में आपको इतनी क्वालिटी में समझ में ना आ रहा हो, इसीलिए हमको यहाँ पे सर ने भी कहा एक बार कि आप यहाँ पे जब पर्सनली विजिट करेंगे तब आपको बिजनेस करने का जो असली मजा है तब समझ में आएगा। जी सर देखो यहाँ पे वर्क की अगर मैं बात करूँ, पूरा का पूरा सैम्पलिंग है, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि अपने सारा का सारा दिखाएंगे, लेकिन मैं कस्टमर को एक ही बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर बिजनेस करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक बार आपको सूरत आना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सूरत आने के बाद आपको कलेक्शन जो दिखने मिल जाएंगे, सारे के सारे कलेक्शन दिखने मिल जाएंगे। सही है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं इतना जबरदस्त वैरायटी है कि ये वीडियो अगर हम 10 दिन का भी वीडियो बनाएंगे तब भी ये वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि सारी वैरायटी बताई जा सके। दोस्तों इसीलिए आपको यहाँ पे पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, फिर भी हम वीडियो में हमको आपको एक दो पीस इसीलिए बता रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है।
ये जो क्वालिटी आपकी नज़र के सामने है लाजवाब है, इसकी कोई मिसाल पूरी मार्केट में नज़र नहीं आएगी। और प्राइस की जहाँ तक बात करें कि सर ने जैसा पहले बताया कि यहाँ पे आपको फैक्ट्री प्राइस में प्रोडक्ट मिलने वाला है, दोस्तों आप समझ सकते हैं फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या होता है कि प्राइस को कोई मार्केट में पूरी मार्केट में बीट नहीं कर पाएगा। जी सर, बॉस प्राइस और क्वालिटी के में पूरे डंके की चोट पे अगर कस्टमर पूरा गुजरात भी घूम लेगा ना तो भी इतनी गारंटी देता हूँ बॉस। क्या बात है सर की 100% प्राइस की और क्वालिटी दोनों की गारंटी है कि आप सूरत तो क्या पूरा गुजरात घूम जाओ, आपको प्राइस और क्वालिटी में कोई भी बीट नहीं कर पाएगा अगर आप यहाँ से माल लेते हैं तो। प्रिंटेड के देखिए, ये वर्क का मैंने सेक्शन आपको दिखा दिया, उसके बाद प्रिंट के भी बहुत सारे मेरे पास सैंपल्स है, वो भी एक दो बार आपको दिखा दूं मैं। ये पकड़ो बेटा, ये प्रिंट के सैंपल्स है। प्रिंट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे लेस होती है, कैटलॉग होती है। ओके दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी कपड़े का साड़ी का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है। दोस्तों अगर आपको नहीं भी पता है तब भी सर आपको गाइड करेंगे कि कौन सी वैरायटी आती है, आपको कौन कौन सा माल लेना चाहिए, अपने नई शॉप पे क्या क्या रखना चाहिए, सर आपको 100% सपोर्ट करेंगे। बॉस अगर उनका नया बिजनेस है जी, अगर उनको कुछ मालूम नहीं है एस जेड तक का तो भी यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है, क्या क्या परचेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फुल सपोर्ट करूंगा बॉस। आएंगे दोस्तों, आज के टाइम में कोई बिजनेस सिखाता नहीं है, सिर्फ माल बेचने तक की ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रियल में आपको बिजनेस कैसे करना है वो सर की तरफ से समझ में आ जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ओके, अभी दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं दोस्तों। ये तो सिर्फ एक झलक थी, आगे आपको फैक्ट्री के और भी डिपार्टमेंट्स बताने बाकी हैं। चलिए दोस्तों दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से आपको और क्या क्या मिल सकता है। ये आपको सिल्क साड़ीज का मैं दिखाऊंगा, दिखा था बेटा सैंपल सारे। ये सिल्क साड़ीज है बॉस। ओके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सिल्क साड़ीज बहुत फेमस है। सिल्क साड़ीज में भी पूरा का पूरा डेमो एक एक पीस लगे गए। ओके, ये पूरा का पूरा सिल्क में भी बहुत से अलग अलग पैटर्न्स है, कॉटन बेस पे है। दोस्तों यहाँ पे दूर दूर तक जहाँ तक भी नजर जा रही है वैरायटी वैरायटी नजर आ रही है, तो वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत ही नामुमकिन ही है, फिर भी सर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप तक पहुँचाया जा सके। बस कस्टमर को यहाँ पे एक बार आना है, यहाँ पे आने के बाद मैं उनको स्टेप बाय स्टेप सारी वैरायटीज दिखा दूंगा। ओके, किस तरह से उनको बिजनेस करना है वो दिखा दूंगा, और आगे चल के आपको कैसा करना है वो भी पूरा का पूरा गाइड्स उनको मैं दे सकता हूँ। उसके बाद अगर कस्टमर को खाली अगर आइडिया भी लेना है या पूछना है या फ्यूचर में भी चालू करना है तभी भी आ सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बिजनेस करना है तो ही आओ, आप मेरे से मिलो और कुछ भी आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करो। दोस्तों यहाँ पे जो मैं कलेक्शन देख रहा हूँ, जो मैं प्राइस देख रहा हूँ, ये मुझे खुद समझ में आ रहा है कि मैं मुझे लग रहा है कि मैं खुद आज नया बिजनेस शुरू कर दूं। दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आना ना भूलें, अगर आपने यहाँ पे आए बिना कपड़े का काम शुरू किया तो ये आपकी बड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिए। जी सर, देखो मैं कस्टमर को यही बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप कहीं पे भी परचेस करो। जी जी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से परचेस करो, लेकिन यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं इतनी गारंटी देता हूँ, यहाँ पे आप आओगे तो खुद में खुद समझ जाओगे, यहाँ से आपको खुद को कुछ जाने की जरूरत नहीं है। जी 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 बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात सर ने बताई, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ पे विजिट करोगे तो इतना कलेक्शन देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर हमको और क्या बताने वाले हैं सर आप? देखो मैं आपको एक लहंगा दिखाऊं, आप एक बार ये लहंगा का डेमो देख लो पूरा का पूरा। ये खाली सैंपल, यहाँ पे दूर दूर तक आप देख रहे हैं ये पूरा लहंगा ही लहंगा नजर आ रहा है, और दोस्तों इतना जबरदस्त, ये सिर्फ सैंपलिंग है और ये बार बार डिजाइंस पैटर्न्स बदलती रहती हैं। ये देखो ये कितना खूबसूरत है, ये जबरदस्त, कोई एक बार देखेगा तो फौरन आपके हाथ से इसको छीन के लेके जाएगा कि नहीं पहले हमको ये चाहिए। इतना डिजाइन तो बॉस एक से एक मिलेगी। सर ये डिजाइन कितने दिनों में चेंज होती रहती होगी आपके पास? देखो 8-10 दिनों में कंटिन्यू डिजाइन चेंज होती रहती है। ओके, अगर कोई कस्टमर बोलेगा मोनोपोली मेरे को ये डिजाइन बनानी है तो भी बना दूंगा। क्या बात है, हाँ जी। यानी कि अगर आपके डिजाइन कोई नजर में है तो वो भी सर आपके लिए डिजाइन बना सकते हैं। ये डिजाइन जो आपके सामने लहंगे की सर बता रहे हैं, ये पूरी लेटेस्ट डिजाइन से मार्केट में जल्दी आपको देखने भी नहीं मिलेगी। बॉस अगर लहंगा की बात करो तो इतने सारे सैंपल है, वो भी पॉसिबल नहीं है कि दिखाया, फिर भी मैं आपको 2-4 सैंपल फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जबरदस्त सर, लाजवाब लाजवाब बिल्कुल सर।
सर ये लहंगा पे कितना मार्जिन रख सकते हैं अगर कोई रिटेल में काम शुरू करता है तो? देखो अगर रिटेल की अगर मैं बात करूँ तो 40-50 तक आप मार्जिन रख सकते हो, लेकिन मैं कस्टमर को एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका फर्स्ट टाइम बिजनेस है, आप फर्स्ट टाइम चालू करना चाह रहे हो 40-50% तक, हाँ, तो प्रॉफिट थोड़ा कम लीजिए ताकि आपके पास भी कस्टमर रेगुलर आए और आपका बिजनेस कंटिन्यूस बना रहे। सही है दोस्तों, जैसा कि अगर आप नया काम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली पहले आपको कस्टमर बनाने, एक बार जब आपके मार्केट में नाम हो जाता है तो फिर आगे आप अपना मनचाहा मार्जिन ले सकते हैं। जी सर, क्योंकि आपको लाइफ टाइम बिजनेस करना है बॉस, एक टाइम तो ऐसा नहीं है कि आपने अगले को माल दे दिया दोबारा नहीं बुलाना है। सही है, कोई अगर जैसे मैं भी अगर मेरा माल बेच रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट लेके बेच रहा हूँ, लेकिन लो प्रॉफिट, मेरे को मालूम है कि कस्टमर को आगे बेचना है फिर उनको मेरे को रिपीट बुलाना है। ओके, बस ओके, तो ये जैसा कि सर ने बताया ये एक बिजनेस की टैक्टिक सर ने बताई है हमको कि आपको लाइफ टाइम बिजनेस करना है, लाइफ टाइम कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर से मार्जिन भी ऐसा लीजिए कि कस्टमर दूसरी बार आपके पास आ सके। तो कंपनी आपको सिर्फ माल बेचना नहीं, आपको बिजनेस करना भी सिखा रही है बॉस, तभी आपका काम बड़ा होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज आपने देख रहे हो कि मेरी अलग अलग फैक्ट्री है, पहले सबूरी फैशन थी, अभी अरुणा टेक्सटाइल, अब हुआ, तो ये काम बढ़ता कब है? जब आपके पास रेगुलर कस्टमर आते हैं, कंटिन्यूस कस्टमर आते हैं, तभी आपका काम बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़े से काम शुरू कीजिए, छोटे से काम शुरू कीजिए और सर का सपोर्ट मिलेगा, सर का गाइडेंस मिलेगा, तो आपका काम कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल सजेशन है, एक बार अरुणा टेक्सटाइल हब जरूर विजिट कीजिए, सर से जरूर मिलिए। ये सम्राट सर सिर्फ नाम के सम्राट नहीं, इस इंडस्ट्री के भी सम्राट है। तो दोस्तों यहां से अगर आप काम शुरू करेंगे तो आप भी अपने एरिया में जरूर सम्राट बन सकते हैं। जी सर, देखो अगर सपोर्ट की बात करूं बॉस, मैं सपोर्ट उनको वहां तक करूंगा जब तक उनका बिजनेस सेट नहीं होता है, जब तक मैं उनको सेटअप करूंगा, वो मेरी जवाबदारी है बॉस, उनको कैसा सेटअप करवाना, खाली एक बार उनको यहां पे मेरे को मिलना है, मैं गारंटी देता हूं उनका बिजनेस सेटअप करवाने की जवाबदारी मेरी। क्या बात है, क्या बात है। अगर कपड़े का काम करना चाहते हैं, अगर आप लेडीज ड्रेस मटेरियल कुर्ती या कुछ भी बेचना चाहते हैं, एक बार सर से मिल लीजिए, कंपनी आपको सर आपको कामयाब बनाने की पूरी पूरी कोशिश नहीं करेंगे, आपको कामयाब बना के छोड़ेंगे। जी सर, देखिए इसके बाद मैं आपको मैं दिखाऊंगा कुर्तीज के सैंपल्स, आप यहां पे आ सकते हो। दोस्तों वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं, आपको समझ में आया होगा कि यहां पे कलेक्शन भरपूर है, आपको जो भी चीज़ चाहिए सब में भरपूर कलेक्शन मिलेगा। और दोस्तों ये सिर्फ सैम्पलिंग है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग है। यहाँ पे रियल जो गोडाउन है कंपनी की, जो फैक्ट्री है, वो तो लाजवाब है, आपको कलेक्शन की कोई कमी नहीं होगी। आप लाख रुपए का माल लेने आएंगे, आप 1,000,000 का माल लेके जाएंगे। बस कस्टमर को जब यहाँ पे कोई भी चीज लेने आएंगे ना, जैसे साड़ी कुर्ती ड्रेस मटेरियल, तो उनको स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। जी जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इस तरह से, ये तो खाली अपने डेमो दिखा रहे हैं ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि ये फैक्ट्री में सारे की सारे चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे पर्सनली विजिट करेंगे, आपको एक एक पीस आपकी नज़र के सामने यहाँ पे रखा जाएगा, जिससे आपको समझ में आए कि आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है। जी सर, इसके बाद प्लाजो में भी आते हैं डिज़ाइन। ओके, ये भी मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, वो आपको दिखाया मैंने कुर्तीज। ओके, ये प्लाजो के साथ में भी बहुत सारे डिजाइन है दोस्तों, वहाँ पे हमने पहले देखी ये कुर्तीज थी और ये प्लाजो के साथ है। दोस्तों अगर आप काम करना चाहते हैं लेडीज के कोई भी आइटम्स का, ड्रेस मटेरियल हो, चाहे कुर्तीज हो, चाहे साड़ीज हो, जो भी आप नाम लें यहाँ पे सब अवेलेबल हो जाएगा। इतना जबरदस्त कलेक्शन मैंने पूरे सूरत में अभी तक तो कहीं पे भी नहीं देखा। ये मेरा 100% सजेशन है कि यहाँ पे आए बिना आप कपड़े का काम शुरू ही ना करें। अगर आप ऑलरेडी कहीं और से खरीदी कर रहे हैं तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप कर रहे हैं वहां से करें, लेकिन एक बार यहाँ पे आके सर को जरूर विजिट करें, हो सकता है कि आपको बहुत जबरदस्त वैरायटी ऐसी मिले जो पहले ना मिली हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कैटलॉग भी आप वहां पे नजर मार सकते हो, कैटलॉग भी है दोस्तों, यहाँ पे कैटलॉग का कलेक्शन भी मिल जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि एक वीडियो के अंदर सब कुछ कवर, इतनी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों, इतना बड़ा कलेक्शन है, आप खुद सोचिए कि मैं क्या क्या कवर करूं। ये तो सिर्फ सैंपलिंग के कैटलॉग है, अगर कैटलॉग की मैं बात करूं तो यहाँ पे इससे कई गुना ज़्यादा कैटलॉग और भी मौजूद हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है, मैं खुद इतना कलेक्शन बड़ा देख के चौंक गया हूँ। जब आप यहाँ पे आएंगे बॉस, ड्रेस मटेरियल के पूरे सैंपलिंग, ये कुछ ड्रेस मटेरियल्स के भी सैंपल्स हैं। हाँ जी,
और दोस्तों अब आप नाम लेके आपको क्या नहीं मिला, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। ग्रेट ग्रेट। क्या क्वालिटी है, लाजवाब। बॉस क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक से एक क्वालिटी है, सारे के सारे चीजें मिल जाएगी, एक से एक चीज। वाव ब्यूटीफुल। दोस्तों ये क्वालिटी जब आप देखेंगे आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। अगर आपने कभी कपड़े का काम नहीं किया तो यहाँ से लेके आप एक बार ट्राई करें। सर अगर कोई सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं कि चलो चलता है नहीं चलता हम देखना चाहते हैं, कम से कम कितने अमाउंट से शुरू करें? देखो इसमें ऐसा होता है कि हर आदमी की कैपेसिटी और हर आदमी का बजट होता है। okay. अगर किसी का बजट 25,000 तक है तो भी वो आ सकते हैं। okay. मैं उनको पूरा का पूरा सेटअप करवा दूंगा 25,000 तक। 25,000 के अंदर भी सेटअप थोड़ा बहुत भी हो सकता है। हाँ फिर उसके बाद तो आगे उनकी कैपेसिटी है, 25,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ओके। लेकिन 25,000 तक मिनिमम उनका बजट होना चाहिए। अगर उनके चालू करने की इच्छा है तो मैं उनको वहां तक स्टार्टिंग रेंज पे। इसके अलावा सर आप और क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे व्यूअर से बिल्कुल नए हैं, कुछ पता नहीं है काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या लेना है, क्या बेचना है, आप क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं सर? देखो बॉस कोई भी अगर नया बिजनेस कोई भी कस्टमर चालू करना चाहता है, कोई भी फील्ड होती है, कोई भी एक्स वाई जेड, तो कोई भी बंदे को ये चीज मालूम नहीं होती है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, मैं क्या बेचूंगा, क्या लूंगा। तो मैं कस्टमर को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अरुणा टेक्सटाइल हब में विजिट करना है और मेरे को मिलना है। मैं आपकी जवाबदारी लेता हूँ, आपको क्या क्या प्रोडक्ट रखना है, क्या क्या सेल करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ा हार जाएगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो आपको 2-4-10 दिन के लिए मैं एक दो बंदे भी दे दूंगा। क्या बात है, अभी इससे ज्यादा सपोर्ट तो मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, कभी जाना भी नहीं कि कोई इतना सपोर्ट करता है। सर इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई नया बंदा काम शुरू करना, ये एक तरह की सोशल सर्विस है दोस्तों, काम कोई सिखाता नहीं है। यहाँ से आपको सर ने यहाँ तक भी बता दिया कि आपको कुछ दिनों के लिए बंदे भी दे सकते हैं। अभी ये इतना बड़ा सपोर्ट, इतनी बड़ी सर्विस तो कोई नहीं करेगा। दोस्तों एक बार जरूर विजिट कीजिए, आपको ये सम्राट सर जरूर आपकी इंडस्ट्री के आपके काम में सम्राट बना सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर अगर कोई सूरत आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे कांटेक्ट करके यहाँ पे आपकी कंपनी पे विजिट कर सकते हैं। जी सर। हाँ सर कोई भी अगर सूरत आना चाहता है तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए गए हुए और गूगल पे भी मेरी लिंक दी गई है, अरुणा टेक्सटाइल आप सर्च करोगे तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। लेकिन याद रखना यहाँ पे सूरत में किसी के साथ नहीं आना, जो मेरे नंबर दिए गए हैं उसको कॉन्टेक्ट करके आना और डायरेक्ट आप मेरी लिंक देख के अरुणा टेक्सटाइल हब में आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया, सर ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमको पूरी फैक्ट्री विजिट करवाई। एक्चुअली पूरी तो नहीं कहेंगे, ये तो बहुत एक झलक है। आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सर एक लास्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये पिक्चर का समझो टाइटल ही था। क्या बात, पिक्चर तो बहुत बाकी थी अभी, ये तो सिर्फ जाके पूरी पिक्चर बाकी है। दोस्तों आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो उन लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों आपके वक्त के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और अपनों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।